तक आपने वाली पिक्चर देखी ली होगी ब्रेकअप, और दैट पिक्चर इसमें खाली का सबसे चाय पीने की एक्टिंग कर रही थी। हर्ष सर मुझे सिखा रहे आर्चरी, वॉशरूम। दिस इज द वॉशरूम। आई एब्सोल्युटली लव द गोल्डन इंटीरियर्स हियर। रूम दिखाते हैं। सो दिस इज अ मिनी किचन एरिया। Then the lovely bed, and I also love the interior. As you can see, the golden lamp, and this rest is so so cool. Oh wow! Look at this. Welcome, Miss Sarah Hussain. Then a really nice couch, some more desserts for me, a really nice study. अच्छा ये टोपी पहन लेते हैं। ये हिमाचली टोपी ना उन्हें मुझे आते टाइम दी। And of course, the best part is the balcony. So, this is sitting area, and wow, just look at the view, guys. Too wide angle. मतलब मैं जहाँ तक देख रही हूँ मुझे पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं. Just totally love it. इसके बाद हम जा रहे हैं हाइटी पर. And yeah, that's good. हर रूम में बालकनी है, you know. और आप ना मुझे बहुत आते हैं क्वेश्चन प्राइस को लेकर, एक्चुअली प्राइस ना काफ़ी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो बेस्ट इज चेक ऑन booking.com और द होटल्स वेबसाइट, मेक माई ट्रिप, सो दैट बी बेटर। और मिलते हैं हाई टी पे, थोड़े ढंग का बन के आते हैं यार, होटल के हिसाब से हमें भी सोफिस्टिकेटेड लगता है। लेट्स गो। बन गए हम क्लासी ना फॉर द प्लेस, एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द हाई टी। आई एम सो हंग्री। पता है हम लोग चैल शिमला से निकले और चैल आ गए, लंच मिस हो गया है, बहुत भूख लग रही है। आई थिंक इधर होगा पेस्ट्रीज एंड ऑल, बट आई जस्ट आई एम होपिंग, इतना सा होप है थोड़े समोसे ब्रेड पकौड़े मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। लेट्स गो। तो यहाँ हम कर रहे हैं अपनी हाई टी, सम सैंडविचेस, चूरोस, मफिन्स, कपकेक्स, एंड लुक एट द व्यू। ये वाला विंडो खुला है ना सर? वाह, इट्स स्कैरी। हाँ, जस्ट लव इट। वाइड एंगल क्योंकि हमने महंगा कैमरा लिया, तो हम शो ऑफ करेंगे। सो गुड। हाई गाइज, आई एम हैविंग माई हाई टी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, अभी तक आपने वाली पिक्चर देखी ली होगी ब्रेकअप, ऑफ दैट पिक्चर इसमें खाली का था, तब से चाय पीने की एक्टिंग कर रही थी। आई एम अ कोल्ड कॉफी पर्सन, आई डोंट ड्रिंक चाय वाय, मुझे बिल्कुल नहीं पी जाती। तो हम इधर है कोल्ड कॉफी, देयर आर सैंडविचेस, चूरोस, और मेरी नज़र सिर्फ चूरोस पर है। सो गाइज, राइट नाउ वी आर विजिटिंग द कॉटेज एरिया, एंड हम इससे जा रहे हैं गोल्फ कार्ट जैसा। सर सो बोलते क्या है? बग्गी, बग्गी से जा रहे हैं हम। सो गाइज, दिस इज द प्रीमियम कॉटेज, लाइक द लग्जूरियस वन, एंड दिस इज लाइक द सिटिंग एरिया विद अ टीवी। Then this is the bedroom. It has a really nice balcony, and the best part is this. It has a jacuzzi, and I think this opens up. तो ये खुल जाता है, तो सब पहाड़ पहाड़ का view आता है, and I'm really sure it must be spectacular. Big change. अब हम जा रहे हैं game section. तो वैसे तो बच्चों घर पर I'm like मैं तो कहना है please. So I'm like okay, let's go then. तो अब हम जा रहे हैं games खेलने. और इधर काफ़ी सारे गेम्स हैं, जैसे कि इधर पूल है। देखो मुझे वाला पूल नहीं आता, पर मैं एट बॉल पूल में बहुत एक्सपर्ट हूँ, ठीक है ना? तो हम खेलेंगे इधर गेम्स। हाय, हेलो मैम, सो वी वांट टू प्ले दैट बास्केटबॉल गेम। सो गाइस, दिस इज द गेमिंग एरिया, दे हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ कूल आर्केड गेम्स। सो इफ यू आर अ किड और समवन लाइक मी हूज मेंटल हेल्थ इज स्टिल लाइक अ किड, they love it, and I was a champ in this. Let's play this one. Bye. Guys, वैसे तो ये जगह 6 years above के लिए, पर
गाइस गुड मॉर्निंग, मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, जैसा मसाला डोसा, वॉफल्स, क्रोसॉन एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। इधर इतना ह्यूज है ना ब्रेकफास्ट स्प्रेड, बट आई सिलेक्टेड दिस। और बीइंग द इंडियन आई एम, मुझे डोसा खाना बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट में। सो यप, आई एम हैविंग सम डोसा हियर। कुछ किया ही नहीं, सो गुड। स्पेशली यू नो द फूड तो बहुत अच्छा है, बट द एक्सपीरियंस इट्स लिटरली लाइक डाइनिंग इन द क्लाउड्स, इट्स ऑसम। और आपको देख रहे हो क्लाउड्स ही मूव करते रहते हैं, इट्स सो गुड। अब नेक्स्ट वी विल गो टू पिकनिक, तो फॉर लंच आई एम गोइंग टू अ पिकनिक स्पॉट जो होटल का ही है, सो लेट्स चेक दैट आउट। गाइज आफ्टर ब्रेकफास्ट और पिकनिक जाने से पहले मैंने सोचा लेट्स ट्राई सम ओलंपिक स्किल्स। तो मुझे सर, आपका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष सर मुझे सिखा रहे हैं आर्चरी, और मैं आपको दिखाऊंगी आर्चरी कैसे करते हैं। सर ओलंपिक्स में ऐसे टाइप का ही होती है आर्चरी? वो प्रोफेशनल होता है। वो प्रोफेशनल होता है, ठीक है। तो गाइज इसको इधर लगाते हैं और इधर से एम करते हैं इसके अंदर से, ठीक है। नॉट बैड, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल आउट गई हूँ मैं। कोई नहीं सर, होता है प्रेशर में हो जाता है। अब वो करें शूटिंग। Mama said that it was okay. Mama said that पता नहीं और मैं हमको बदला लिया जा रहा है इस ट्रैक में। बहुत लंबी ट्रैक है, 2 किलोमीटर। देखो 2 किलोमीटर में चल लेती हूँ, पर एक हाइट पे चलना इट्स लाइक 7000 फीट हाई, इट्स अ टफ टास्क। और मैं आजू बाजू सब क्लाउड से क्लाउड है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं ऊपर, अब मैं दिखाता हूँ अपना पिकनिक स्पॉट, लेट्स गो। ये वाला कृपया जूम इन हो इस पर, इसको अगर आपकी स्किन से टच हो जाए, इसे कुछ बिच्छू समथिंग कहते हैं, तो इरिटेशन हो जाती है पैर में, और मैं अपने 3 बार मार चुकी हूँ। सो लेट्स गो। एक और चीज़ दिखानी है मुझे, आइए दोस्तों, ये 40 मत दिखाना कैमरा मैन। अगर ये आपको पेड़ों में ये ग्रीन ग्रीन दिखे, तो कभी सिटी के पेड़ों पर ही नहीं दिखेगा। अगर ये ऐसा ग्रीन ग्रीन है पेड़ों में, इट मीन्स द फॉरेस्ट इज हेल्दी। अब हम आगे चलते हैं, फिर देख सकते हैं मेरा चुनाव है बिच्छू प्लांट के साथ, और मैंने पहनी भी ड्रेस है क्योंकि मेरा दिमाग खराब है। Mama said that it was okay. तो इंटरेस्टिंगली आई एम इन द मिडल ऑफ क्लाउड्स, जहाँ का एयर प्रेशर मुझे बहुत कम लग रहा है। ठंड बढ़ती जा रही है, अब हम खाएंगे
अपनी बास्केट से निकालती हूँ अपना पिकनिक फूड. सो दैट्स क्रैनबेरी जूस, दैट्स चटनी, हरी चटनी फॉर लाइफ, दैट्स वेज सैंडविच, चिकन सैंडविच. क्लास मील के बाद और पहले पूछते हैं कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है. और ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉगर इसलिए मुझसे पूछ रहा हूँ, पहले मुझे भी लगा था, पर वो एक्चुअली हर गेस्ट को इतनी ही अटेंटिवनेस के साथ हैंडल करते हैं. एप्पल हेल्दी खा तो मैं खाती नहीं, तो उसे वापस रख देते हैं. चिकन सैंडविच, मैंने कभी नहीं सोचा कि आई कैन हैव दिस एक्सपीरियंस हैविंग सच टेस्टी फूड, हैविंग अ चिकन काठी रोल इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट विद सच एन ऑर्गेनाइज्ड वे. सो आई रियली रियली लव इट एंड टोटली रेकमेंड यू, इफ यू आर स्टेइंग हियर इन चेल एनीवे, डू ट्राई वेलकम होटल एंड स्पेशल द पिकनिक एक्सपीरियंस. अब नेक्स्ट हम आए हैं शिव जी के टेम्पल. ये टेम्पल एक ही इंसान ने पूरा बनाया था, आई एम श्योर वो शिव जी के काफ़ी बड़े भक्त होंगे. तब हम चलते हैं और टेम्पल एक्सप्लोर करते हैं. तो गाइस ये है वो टेम्पल, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा रॉक से बना हुआ है. चलते हैं अंदर. आई आई तो गाइज ये है वो टेम्पल, जूम इन करके दिखाऊं थोड़ा. वाओ ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, सो कूल. तो गाइज जैसा कि मुझे होटल के स्टाफ ने बताया, आपका नाम क्या है सर? आपको तो पता मुझे कि करण ने मुझे बताया कि अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू ही है और वो करते रहते हैं 34 इयर्स से, वो अभी भी लगे गुफा किसी की इतनी श्रद्धा होती है. उन्होंने पूरा इधर ताजमहल जो है उन्होंने अपनी वाइफ के लिए डेडिकेट करा, उन्होंने अपनी अभी भी जिंदा है जस्ट बाई चांस, और वो अभी भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. जिस रियली सरियल और मतलब कोई गवर्नमेंट फंडिंग है ऐसा कुछ नहीं मिला, सब अपना पैसा लगा के कर रहे हैं. आई थिंक इज सो कूल. बस अब 6 o'clock वी आर गोइंग टू स्पा, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस क्योंकि मेरी बॉडी थक गई हूँ. तो मिलते हैं अब स्पा सेशन. सो गाइस आफ्टर माय वेरी वेरी टायरिंग जर्नी आई एम फाइनली गोइंग फॉर अ स्पा एंड आई एम रियली होपिंग इट गोज ऑन वेल एंड दे हैव अ लॉट ऑफ स्पा ऑप्शंस. मसाज लेकर तो मैं सला रही कोई छोटा सा पाजी आया तो मसाज लेकर बिल्कुल मेरे सारी बॉडी के अंग अंग खुल गए लिटरली. इतनी ट्रैवलिंग करी मैंने इस मंथ, रशिया, दुबई, शिमला एंड दिस वाज चेल. आई वाज एग्जॉस्टेड इस मंथ में, स्टार्टिंग में बैंगलोर भी गई थी. सो इट वाज एग्जॉस्टिंग और फील सो मच बेटर नाउ. नाउ वील हैव सो गाइज हियर a quick show on what all they have. A lot of food. Mutton do piyaza. So kaafi khana hai. Steamed rice, rajma, paneer kada masala, mushroom, fried rice, chili bean, lasagna, veggies, soups. So I was heading back to Delhi and look what I found. मेरे रास्ते में है ना लाइक आई हैव टू स्टॉप. बट हाँ और ये भी क्योंकि टोपी भी दी हिमाचली टोपी है तो या विद दिस इज अ रैप. विद दिस इज अ रैप. आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. देखो सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि मैं और ज़्यादा